इवन आई कैन स्कोर 100 ऑन दिस पिच, यानी कि इस पिच के ऊपर तो मैं भी शतक मार सकता हूँ। ये पोस्टर रावलपिंडी के मैदान में एक बालक लेकर खड़ा था। बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इस समय एक टेस्ट मैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में पूरी की पूरी। इस टेस्ट सीरीज को जीतना पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी है, अगर हम देखते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर आप सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान की टीम 7वें पोजीशन पर है, बांग्लादेश की टीम 8वें पोजीशन पर है, यानी कि डू और डाई की सिचुएशन में है इस समय पाकिस्तान की टीम। यहां से अगर बचे हुए वो अपने सारे मैचेस को जीतते हैं तभी उनके फाइनल में जाने की उम्मीदें कायम रहेंगी। यदि वो एक दो मैच भी हार जाते हैं तो उनको बाकी टीमों के ऊपर जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रदर्शन के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत होगी। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, यानी कि ये जो बच्चा इस पोस्टर को लेकर खड़ा है आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल ये मैच खेला जा रहा है रावलपिंडी के स्टेडियम में। रावलपिंडी स्टेडियम के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे जो टीम पहले बैटिंग करती है उसका एवरेज स्कोर 350 के ऊपर है। जो टीम दूसरी बैटिंग करती है, दूसरे इनिंग में खेलती है, उनका एवरेज स्कोर 400 से भी ऊपर है। तीसरी इनिंग का एवरेज स्कोर तकरीबन 225 के आसपास है। चौथी इनिंग का एवरेज स्कोर 200 के आसपास है। यानी कि ये ग्राउंड, ये स्टेडियम काफ़ी हाई स्कोरिंग माना जाता है। पाकिस्तान में ऐसा कहा जाता है कि रावलपिंडी की विकेट एकदम फ्लैट होती है हाईवे की तरह। अब इस बार उन्होंने ऐसी पिच ना बने, ऐसी हाईवे ना बने, इसके लिए उन्होंने टॉनी हैमिंग को हायर किया। टॉनी हैमिंग एक ऑस्ट्रेलिया के पिच क्यूरेटर है, काफ़ी नाम है उनका पिच क्यूरेशन की दुनिया में। पाकिस्तान की जितने भी फैंस थे उनको बड़ी उम्मीदें थी टॉनी हैमिंग से। 3 हफ्ते पहले उन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उन्होंने रावलपिंडी के इस विकेट के ऊपर काम करना शुरू किया। जब मैच शुरू हुआ तो सबको ऐसा लगा कि ये फास्ट बॉलिंग विकेट होने वाली है, क्योंकि पिच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा घास छोड़ा गया था। ठीक वैसे ही जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में देखते हैं, साउथ अफ्रीका में देखते हैं, वेस्ट इंडीज़ में देखते हैं, जहाँ पे अच्छा बाउंस आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे अच्छा कैरी आपको देखने को मिलता है। लेकिन पहले दिन से ही इस पिच ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अगर पहले सेशन को हम छोड़ दें तो उसके अलावा कभी भी इस टेस्ट मैच में किसी भी तेज़ गेंदबाज को कोई भी मदद हमको देखने को नहीं मिली। पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम ने 400 से ऊपर का एक टारगेट बोर्ड पर टांग दिया। ऐसा माना गया कि बांग्लादेश की टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पे हटके खेलेगी, लेकिन बांग्लादेश के जब आप इस बैटिंग यूनिट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी हमको बैटिंग यूनिट देखने को मिलती है। इसमें आपको मुशफिकुर रहीम के रूप में एक बहुत ही एक्सपीरियंस बैटर देखने को मिलता है, शाकिब अल हसन के रूप में एक बहुत ही शानदार ऑलराउंडर देखने को मिलता है, मेहदी हसन मिराज लोअर ऑर्डर में आपके बल्लेबाज है, लिटन दास एक आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्रिकेट के बल्लेबाज आपको देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुश्किल ज़रूर होने वाली थी, लेकिन जितनी मुश्किल पाकिस्तान को हुई इतनी उम्मीद नहीं थी। 550 से ज़्यादा रन जो है बोर्ड पर टांग दिए बांग्लादेश की टीम ने 4th दिन खत्म होते होते। तो ये सब देखने के बाद पाकिस्तान के जितने भी फैंस थे उनसे एक ही सवाल कर रहे थे कि भैया अगर इतना ही फ्लैट विकेट बनाना था तो हम ही को खिला लेते, इस पर शतक तो हम ही मार देते। पाकिस्तान की तरफ से इस ग्राउंड पे हाईएस्ट स्कोर मोहम्मद रिजवान ने मारा। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से खेलते हुए, काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हुए अपनी टीम को एक अच्छे टोटल की तरफ आगे बढ़ाया। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई शान मसूद से। जैसे ही डबल सेंचुरी के करीब पहुँच रहे थे मोहम्मद रिजवान, उन्होंने पारी को डिक्लेयर करना सही समझा। ऐसे में एक कप्तान का माइंडसेट, एक कोच का माइंडसेट ज़रूर सामने आता है। वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, ये काफ़ी देखने वाली चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे शान मसूद का ये डिसीज़न उनके खिलाफ जाता हुआ हमको दिखा कि यदि वो वहाँ पे 30 ओवर और खेलते तो कहीं ना कहीं 100 से 120 रन और एड ऑन कर सकते थे। और इस समय जो वो ट्रेल में चले गए, लगभग 120 से 130 रन के ट्रेल में चले गए, उतना ट्रेल में वो नहीं जा पाते। यानी 6 विकेट आपके गिरे थे, 4 विकेट आपके हाथ में थे। शान मसूद की एक बहुत बड़ी ब्लंडर हमको देखने को मिला कप्तानी में, और उस ब्लंडर की वजह से पाकिस्तान की टीम इस पूरे मैच में ही पीछे हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का जो खेमा है उसमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिली। जितने भी फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा उनसे देखने को मिले। वो फैंस बोलते हुए दिखाई दिए कि सभी टीम अपने घर में शेर होती है, हमारी टीम तो अपने घर में ढेर होती है। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी तो उन्होंने बढ़िया से धोया था पाकिस्तान की टीम को। 500 550 रन 600 रन तक लगे थे रावलपिंडी की इसी विकेट पे, जिसकी मैं इस समय आपको बात कर रहा हूँ। ऐसे में हम बात कर सकते हैं भारत की, क्योंकि जब भारत में किसी टीम को आना होता है या भारतीय टीम किसी को होस्ट करती है तो टीम इंडिया हमेशा विकेट्स स्पिन फ्रेंडली बनाती है। जब आप चार्ट को देखेंगे कि किस टीम के द्वारा सबसे ज़्यादा अपने होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाया जाता है, उसमें भारत का भी नाम शामिल है, क्योंकि भारत के स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास के स्पिनर्स हैं, रविंद्र जडेजा, हर अश्विन। तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। पाकिस्तान के सेल्फ क्लेम्ड जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बॉलिंग यूनिट है वो इस मैच में खेल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी ना शाहीन शाह अफरीदी कुछ कर पाए।
ना इसके बावजूद नसीम शाह कुछ कर पाए। बांग्लादेश की टीम जब ऑल आउट होने वाली थी उस समय जाके शाहीन शाह अफरीदी को विकेट मिलती है और उसका भी वो कुछ इस तरीके से जश्न मनाते हैं जिस तरीके से मानो उन्होंने पूरा का पूरा विश्व कप जीत लिया हो। लेकिन काफ़ी सारे फंबल्स इस मैच में हमको देखने को मिले जिसका नतीजा था कि बच्चे इस तरीके के पोस्टर लेकर खड़े थे कि आई कैन ऑल्सो स्कोर 100 ऑन दिस ग्राउंड। यानी कि कुल मिलाकर बहुत ही ख़राब तरीके की क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है और अगर इसी तरीके की क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलती रही तो बहुत मुश्किल है कि आने वाले समय में वो WTC का फाइनल खेल सके। WTC के फाइनल को खेलने के लिए कम से कम आपको 70 पॉइंट के आसपास तो जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि 9 में से कम 8 टेस्ट मैच आप जीतें, 7 टेस्ट मैच आप अगर जीतते हैं तब भी थोड़ा बहुत आपका चांस होगा। लेकिन जब तक आप अपने मैचेस को जो आपके हाथ में चीज़ें हैं, जो आपके कंट्रोल में चीज़ें हैं, जब तक आप वही नहीं करेंगे तो आप किस्मत के भरोसे कैसे बैठ सकते हैं। पाकिस्तान के लिए इस समय बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम सामने आ चुकी है। आने वाले मैचेस में उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अगर इस तरीके से वो खेलते रहे तो WTC का फाइनल उनके लिए खा भी रहेगा। क्या लगता है वैसे आपको, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस टेस्ट मैच में कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स किए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।